आपका केबीसी में स्वागत है। तो जैसे कि हमने 2.0 पजल की थी, हमने रोबोट 2.0 पजल फेसबुक पे अपलोड कर दी थी, लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में है, आपने सोल्व की होगी। डेफिनेटली काफी बच्चों के आंसर आए हैं, तो उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपल सी पजल थी, कोई हार्ड पजल नहीं थी, परंतु तो हाँ प्री लेवल पे आईबीपीएस क्लर्क के प्री लेवल पे ऐसी पजल आ सकती है। तो देखिए आप, ठीक है, एक कमरे में 8 बॉक्स रखे हुए हैं, उनमें से 4 बॉक्स रजनीकांत सर के हैं, किनके हैं, इनके हैं, ठीक है, और 4 अक्षय सर के हैं, किनके हैं, इनके हैं। चलो ठीक है, जो रजनीकांत सर के सर में है बॉक्स हैं, उनमें क्या है, 4 ब्रांड्स के अलग अलग ब्रांड से नोकिया, सैमसंग, एमआई, वीवो के मोबाइल रखे हुए थे। तो अक्षय सर के 4 बॉक्स में 4 पक्षियों, चिड़िया, कबूतर, तोता, चील के खिलौने रखे हुए। चलो बढ़िया है भाई। अब क्या कह रहा है, नीचे के बॉक्स, मतलब ये काम आप पहले ही कर सकते हो, लाइंस आप पहले बना सकते हो, बॉक्स वाली पजल हो, फ्लोर वाली पजल हो, मैंने लगभग 80% पजल इसी मेथड से किया, आप मेरे पे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, देखो क्या कहा है, यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, केशव भानु क्लासेस स्पेस छोड़ के केबीसी लिख देना। ठीक है, अब देखो 8 बॉक्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यो रजनीकांत स्टाइल हो गया 8 पर। अब क्या कह रहा है, नीचे के बॉक्स में, तो देखो बॉक्स रखे हुए, तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ लिखूंगा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ तो जैसे मैं कह दूं कि 7वें बॉक्स पे ये बॉक्स नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखते जाओ। पहला क्या कह रहा है, नीचे के बॉक्स में कोई मोबाइल नहीं रखा, नीचे के बॉक्स में कोई मोबाइल है ही नहीं। जब मोबाइल नहीं तो ऑब्वियस सी बात क्या होगी, दो ही तो चीजें हैं, या तो मोबाइल है या खिलौने। तो मोबाइल है नहीं तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या हो सकता है उसमें, एक कोई ना कोई खिलौना होगा। तो मैं इस मोबाइल को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, कि यह नहीं है नीचे के बॉक्स में। अगला क्या कह रहा है, एमआई का बॉक्स चील के बॉक्स के ठीक ऊपर है। चलो मैं थोड़ा सा एक स्पेस थोड़ा यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ ताकि चीजें साफ से साथ क्लियर होती जाए। एमआई का बॉक्स चील के बॉक्स के ठीक मतलब एग्जैक्टली ठीक ऊपर है। तो यानी एमआई का बॉक्स चील के बॉक्स है, मतलब चील जहां है उसके जस्ट ऊपर क्या है, एमआई है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट में बंद करना मतलब इनके बीच में कोई पर्सन नहीं आएगा। चलो बढ़िया है, इसको मैं यहां बना नहीं सकता तो मैंने अलग लिख दिया। नोकिया में एमआई के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेज है, नोकिया में एमआई के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, मतलब 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते सर, 6 हो गए, 2 ही हो गए, तो टोटल 8 ही बॉक्स है। देखो अब देखो एमआई और उसके दोनों क्या है, मोबाइल ही है, नोकिया और एमआई। तो मान लो कि नोकिया यहाँ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे क्या आएगा, एमआई आया। चलो ठीक है, एमआई यहाँ आ सकता है, और क्या कह सकते हैं, एमआई यहाँ, यदि नोकिया यहाँ आता फिर 1, 2, 3, 4 से तो ज्यादा होने चाहिए, मतलब 5 से यहाँ एमआई यहाँ पे मोबाइल आ नहीं सकता। चलो ठीक है, तो इतना पक्का है कि यहाँ पे या तो नोकिया आएगा, नोकिया में एमआई है, ठीक है, या फिर क्या आएगा, एमआई आएगा, और इसके करस्पोंडेंट यहाँ एमआई आएगा या फिर नोकिया आएगा। चलो ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कबूतर व तोता के बॉक्स बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल एग्जैक्टली इमीडिएट नेबर्स हैं ये। कौन कौन है, कबूतर है और तोता है। कबूतर जा जा जा, तोता ला ला ला, तो ये कबूतर और तोता हो गए। कुछ ऊपर नीचे दिए, कुछ नहीं कहा है, कबूतर व तोता के बॉक्स बिल्कुल पास पास है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई साहब ये इंटरचेंज हो सकते हैं, इसका मतलब तोता ऊपर आ सकता है, कबूतर नीचे आ सकता है। चलो ठीक है, ऊपर से दूसरे बॉक्स में चिड़िया है, ऊपर से दूसरे बॉक्स में है, ऊपर से दूसरे बॉक्स में कौन है, चिड़िया जी है। चलो बढ़िया बात है जी, चिड़िया है। और क्या कहा है, वीवो का बॉक्स कबूतर के बॉक्स के ठीक ऊपर है, वीवो का बॉक्स कबूतर के बॉक्स से ठीक ऊपर है। समझना भाई, देख इसके दो केसेस बन सकते थे ना, कि तोता ऊपर आ जाए, मान ले तोता ऊपर आया, तोता ऊपर आया तो कबूतर नीचे जाएगा, कबूतर नीचे जाएगा। तो अब देख अगली वाली कहानी क्या कह रहा है, वीवो का बॉक्स कबूतर के जस्ट ऊपर है, तो इस केस में एक ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कौन है, तोता है। तो इसमें एक ही केस बनेगा कि ये होगा कि तोता नीचे होगा, कबूतर ऊपर होगा, और वीवो का बॉक्स कबूतर के बॉक्स के ठीक ऊपर है। ठीक बोले तो एग्जैक्टली मतलब यहाँ वीवो है,
काम खत्म, एक इंफॉर्मेशन और है, कहीं लगा सकते हैं इसको, वीवो वीवो यहां बन सकता है, यहाँ कई केसेस बन रहे, नहीं दिख रहा मैं, ठीक। सैमसंग का बॉक्स चिड़िया के बॉक्स के पास नहीं है, मतलब यहां हमारा सैमसंग नहीं आ रहा, सैमसंग नहीं आ रहा का बॉक्स चिड़िया के बॉक्स के पास नहीं है, तो यहां सैमसंग आएगा नहीं, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ, पहली इंफॉर्मेशन देख क्या है, एमआई के जस्ट नीचे क्या है, चील है, एमआई के नीचे जस्ट चील होगा, तो एमआई के जस्ट नीचे चील होगा, यहाँ चिड़िया है, तो यहाँ पे ओबीसी बात किसको आना पड़ेगा, नोकिया को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही आ सकते थे, या तो नोकिया आ सकता था या फिर क्या आ सकता था, एमआई। एमआई क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसके नीचे चील है नहीं, यहाँ तो चिड़िया है, तो फिर नोकिया आना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा, एमआई। चलो एमआई आ गया, एमआई यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, चील। आपके पास बचे क्या, ये इंफॉर्मेशन देखो, वीवो यहाँ आ सकता है, कबूतर यहाँ आ सकता है, तोता यहाँ आ सकता है, या फिर वीवो यहाँ आएगा, कबूतर यहाँ आएगा, तोता आएगा यहाँ, इस वाला केस देख, वीवो कबूतर तोता, बचा कि एक सैमसंग, सैमसंग को यहीं आना पड़ेगा, नहीं नहीं सैमसंग यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ये वाला केस गलत हो गया, तो सही कौन सा, जो पहले माना था आपने वही सही है, तो ये क्या है वीवो, ये क्या है कबूतर, ये क्या है तोता, तो बचा हुआ कौन सा होगा, एक सैमसंग, तो ये आंसर हो गए। देख लेना कौन सा, नोकिया वाले सारे किसके हैं, ये रजनीकांत सर के हैं, और चिड़िया कबूतर तोता चील ये किसके हैं, ये हैं अक्षय सर के। चलो ये थी पजल, बहुत सिंपल पजल थी, आपने सोल्व की होंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम पास में आ रहा है, खूब तैयारी कीजिए, डिप्रेशन जरा भी मत लीजिए, मस्त रहिए, अलमस्त रहिए, और तैयार कीजिए इन सारे पजल्स का, और आप इस तरह की और पजल्स देखना चाहते हैं और ज्यादा पजल सोल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पेज फेसबुक पेज केबीसी बैंकिंग से जुड़े, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हम यूट्यूब चैनल पे पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हमने बहुत सारी पजल्स सोल्व की है, आप उन्हें देख सकते हैं, आपकी हेल्प जरूर होगी आपके एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।